अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आपको ग्वार चिकन बनाना सिखाऊंगी नए अंदाज़ में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, तकरीबन 3 अदद प्याज डाल दी। प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने ग्वार को बॉयल होने के लिए रख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे ताकि इसका पानी बाहर ना आए। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्याज हमारे तकरीबन सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को मैंने साफ धो लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक पकाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अच्छी तरह से चम्मच को चला लेंगे और इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। खुशबू आने तक इसको पकाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम लोग डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हसबे जायका नमक, थोड़ा सा कढ़ाई मसाला, और इसमें हम लोग डाल देंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। ये तमाम मसाले इसमें हम लोग डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ऑयल ऊपर आने तक वेट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं। 2 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। दूसरी तरफ मैंने ग्वार का पानी निकाल लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया है। ये डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए, ऐसे आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। और इसमें हम लोग डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है हमारे सालन में। अच्छी तरह से चम्मच को चला लेंगे, ज़बरदस्त अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर दी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। पानी उतना ऐड करना है जिसमें हमारी चिकन और ग्वार तो वैसे भी गली हुई है, तो मैंने इसमें इतना पानी ऐड कर दिया है। और इसको अब कवर करके पकाते हैं। 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो गया है, बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया डाल देंगे इसके अलावा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक आ चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। एक नए अंदाज़ में ग्वार चिकन मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।